मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बुधवार को दतिया प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने दो अलग अलग कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों और जवानों समेत दतिया वासियों को सौगातें दी हैं। तो मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दतिया पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 19 करोड़ की लागत से निर्मित पुलिस अधिकारियों और जवानों के नवीन भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान चंबल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पुलिस जवानों को अब रहने की परेशानी नहीं आएगी, एक वर्ष के अंदर सभी जवानों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुमंजिला इमारतें बनाने के साथ पुलिस जवानों के बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री जी के प्रयासों से ही अभी जो निर्माणाधीन आवास है 96 आवास, 24 अधिकारियों के आवास और 8 आवास राजपत्रित अधिकारियों के, जिनकी लागत लगभग 23 करोड़ रुपए है, ये निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने प्रदेश के अन्य जिलों से डाइवर्ट करके और हमारे यहाँ हाई राइज टावर बनाने का आदेश दिलवाया है, जिसमें 144 जवानों के आवास और 24 एनजीओ के आवास, जिनकी लागत लगभग 43 करोड़ रुपया है, वो भी माननीय मंत्री जी ने दतिया जिले के पुलिस परिवारों के लिए डाइवर्ट कराया है। तो इन सब के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ माननीय गृह मंत्री जी का। हम जब सिंचाई मंत्री बने तो हमने सिंचाई का रकबा 100% के हिसाब से प्लान किया। विधि मंत्री बने तो हमने ऐसी बिल्डिंग बनाई जिले के अंदर कि हमारे संभाग में किसी जिले के अंदर नहीं हो, 100% लेवल रखा हमने। अब गृहमंत्री बने तो गृहमंत्री में भी लेवल 100% हमारे पुलिस के जवानों का हो। साल भर में हमारा कोई भी जवान ऐसा नहीं रहे जो बिना आवास के हो, 100% संतुष्टि होगा, अधिकारी की भी और जवान की। जो 10-10 मंजिल की आप इमारत बनाओगे, इसके अंदर एक तो इनके बच्चों के लिए एक महापुरुषों की जीवन गाथा से जुड़ा हुआ एक विषय, एक कक्ष होना ही चाहिए कि वो साहित्य का अध्ययन कर सके।